उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संजो रहा है, उसका संवर्धन कर रहा है और उसका उन्नयन कर रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, कटिबद्ध है। इसके लिए बहुआयामी बहुत प्रकार के कार्यक्रम राजधानी से लेकर के गांव स्तर तक आयोजित किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रयास संस्कृति विभाग का है कि हम सबसे उन्नत संस्कृति बनाने के संभाग तो होंगे ही होंगे, हम सांस्कृतिक उन्नयन के अगुआ भी बनेंगे, ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग का है। देखिए, महाभारत में एक बड़ी अद्भुत और बहुत ही उत्तम प्रकार का संदेश है, गायन्ति देवाः किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः स्वरूपतः। भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसमें अवतार लेने के लिए, जिसमें जन्म लेने के लिए देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग से आकर के फिर पुण्य संचय के लिए भारत भूमि का वरण करते हैं ताकि तपस्या हो सके, पुण्य संचय हो सके। तो भारत भूमि तपोभूमि है, इतनी उन्नत भूमि है और इसमें जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ किया गया है हमारे ऋषि महर्षियों ने, जो उनको साक्षात्कार में जो आत्म प्रकाशन में उनको प्राप्त होता था, वो अनंत अक्षय स्रोत है। केवल उसको हम पुनरुज्जीवित कर दें तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो वर्षों वर्षों तक अक्षुण रहेगी और उसके संवाहक हमारे आज के युवा उसको और उन्नति से और समृद्धि से पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे।